मैंने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया है. हमारे क्रिएटिव्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर ओपन टू सजेशंस, बट इतना अच्छा काम करने के बाद में मुझे कोई कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी सास बहू नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि लोगों की शादी नहीं होती. एक ऐसा चलन है हमारे देश में जो एग्जिस्ट करता है, तो वो समझने के लिए आई थिंक एक बार देखिए. बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, वरुण है, ये जो लड़की है सुगनी, नई होते हुए भी शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी इम्प्रेस्ड. मैंने और लोगों को भी देखा है जो नए होते हैं, बट डायलॉग्स तक याद नहीं होते उन्हें, बट शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स, गुड स्टोरी. तो एक बार देखिए जरूर, एक नए शो शुरू होने की एक्साइटमेंट बहुत है. मैंने अभी तक पहला एपिसोड देखा नहीं है, हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स देखी हैं. मुझे नहीं अच्छा लगता शूट होने के बाद में इमिजिएटली देख लो, क्योंकि जब आप पहला एपिसोड पूरा एक साथ देखते हो उसमें बहुत मज़ा आता है. तो एक्साइटमेंट है अपना काम देखने की, गुलकी का काम देखने की, वरुण का काम देखने की, पूरा एपिसोड कैसा लग रहा है वो देखने की. एक्साइटमेंट बहुत है. फिर सुबह होगी में मेरे कैरेक्टर का नाम है गुलबिया, जो सुगनी की मदर है, बेडनी है. उनकी उनकी परेशानी ये है कि वो ये नहीं चाहती कि उनकी बेटी वही काम करे जो वो करना कर रही है. और ऑन द अदर हैंड ये ऐसा भी नहीं कर सकती कि उसको कम्प्लीटली बोल दे मत करो, क्योंकि ये प्रथा है. तो इसी असमंजस में है गुलाबिया. और यही काम उम्मीद है कि उनकी बेटी वो काम ना करे जो वो कर रही है, और उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे. मुझे जब पहली बार ये कहानी के बारे में बताया गया था तो मुझे लगा था ये कहानी है, मुझे पता ही नहीं था कि ये सच्चाई है. जब बातों बातों में बात निकली इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई वाज वेरी शॉक्ड. एंड आई गेस जो कोई भी ये देखेगा वो सचमुच शॉक ही होगा, क्योंकि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि आज के ज़माने में हिंदुस्तान में औरतों को ख़रीदा जाता है. ऑन एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, मतलब वो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है लेकिन शादीशुदा नहीं होती है. एंड इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ सो सरप्राइजिंग.